हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे प्लीज़, तो चलिए बढ़ते हैं मेरी लौकी की रेसिपी की तरफ। सिंपल, बिल्कुल इतनी सिंपल कि बिल्कुल आप बैठे बैठे 10 से 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं इसको। लौकी ले लिए मैंने एक, इधर हरी मिर्च ले ली है। इसको लौकी को पील कर लेंगे, इसका छिलका उतार के साफ पानी से धुल के मैंने कट कर लिए छोटी छोटी। बाकी हरी मिर्च ले लेंगे। और यहाँ ले लिया मैंने कढ़ाई में तेल, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग। तेल हमारा हल्का सा गुनगुना हुआ है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। और ले लेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही हमारा भुन जाएगा इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 4 से 5 ली थी, लेकिन मैं ज़्यादा मिर्चा नहीं डाल रही हूँ, कम डालूँ क्योंकि मैं लाल भी यूज़ करूँगी। आप लोग अगर हरी डालना चाहें तो हरी भी, अगर सब्जी में डालना चाहें तो हरी डाल सकते हैं, लाल कम डालें, जैसा आप लोगों को टेस्ट चाहिए सब्जी में। लौकी तोरई की सब्जी में हरी मिर्च ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ 2 मिर्चा डाली है कट करके। बाकी लौकी डाल के इसको थोड़ी देर ढक देना है ताकि लौकी हमारी तेल में फ्राई हो सके। जिस तरह से आलू फ्राई करते हैं इसी तरह से इसको हमें फ्राई करना है। नमक वगैरह कुछ नहीं अभी डालना है, इसको फ्राई करना है 2 से 3 बार, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है इसको। पलट पलट लेना है, उसके बाद इसको क्या करना है, इसमें डालना है मसाले में। बाकी ना प्याज डाला है ना लहसुन डाला है, बिना प्याज लहसुन की है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लौकी अगर बनाना है तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, झटपट बनने वाली। हल्दी, मिर्चा, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जरा सा मैंने काला नमक डाला है। ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, सारे मसाले जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालना चाहें, जो आपको टेस्ट सब्जी में। आप लोगों को वैसे तो सारे सूखे मसाले जो होते हैं ड्राई वाले वो आप सारे डाल सकते हैं, लाल मिर्च कम कर सकते हैं अगर हरी आपने ज़्यादा डाली है तो। मैंने हरी 2 मिर्च डाली है तो हल्की सी लाल भी डाल दी है। बाकी गरम मसाला डाल सकते हैं, बस इसको ढक देंगे और पकने देंगे। ये देखिए भाई, लौकी बनके तैयार है। ना पानी लगाया है ना कुछ, कढ़ाई में बनाई है दोस्तों। अगर कुकर में आप इसको बना रही हैं बनाते हैं तो एक विसल तक आने तक इसको पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं। बाकी देखिए लौकी की सब्जी हमारी तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे। आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए और बना के दोस्तों ज़रूर देखिएगा प्लीज़। एक बार मैं फिर कह देती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, बना के देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।